फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल हैदराबादी कुक। आज हम लोग बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से शाही टुकड़े, डबल का मीठा, कुछ भी बोल लीजिए आप उसको। बहुत आसान तरीके से बनाऊंगी, बिल्कुल सिंपल रेसिपी और बिल्कुल बनने में बिल्कुल आसान रहेंगी ये। चलिए देख लेते हैं इसको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। जिसको चारों तरफ से क्रस्ट निकाल दी और एक स्लाइस में चार पीस कर ली और थोड़ी देर फैन में भी रख ली, तकरीबन 15 मिनट फैन में भी रखी ताकि तलते वक्त ज़्यादा घी ऑब्जर्व नहीं करना भूल के। वो ये कंडेंस मिल्क है, 3 टेबल स्पून है ये कंडेंस मिल्क। ये बादाम और काजू और पिस्ते काट ली, मैं बारीक काट ली के रख ली। और ये इलायची है, इलायची पीस ली, लेकिन ज़रा मोटा मोटा पीसी मैं इलायची को। ये ज़ाफ़रान है, फूड कलर है ये, जो हम लोग खानों में डालते हैं ये ज़ाफ़रानी फूड कलर बोलते हैं उसको, येलो ऑरेंजिश जो रहता है। ये 4 से 5 टेबल स्पून शुगर शुगर है ये, और फ्राइंग के लिए घी है, आधा लीटर दूध है। पहले हम लोग कढ़ाई एक चढ़ाएंगे, उसमें जो है घी डाल देंगे गर्म होने के लिए। हाई फ्लेम पे ज़रा घी गर्म हो गया, बस है फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। मीडियम कर लेके हम लोग ब्रेड के पीसेस डालेंगे उसमें। घी गर्म हो गया, अब हम लोग एक एक करके ब्रेड के पीसेस डाल देंगे। फ्लेम एकदम मीडियम लो पे रखिए क्योंकि ब्रेड बहुत जल्दी पकती है और जलने का चांस रहता है, हमारे को जलाना नहीं है। इसको सिर्फ गोल्डन ब्राउन करना है, लाइट गोल्डन ब्राउन। ये लगन थी इसमें निकाल ली मैं। अब चलिए हम इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। दूध डाल ली, अब थोड़ा इसको दूध को गर्म होने के लिए रख दी मैं उसमें जो है ज़ाफ़रान डाल दूँगी। यूज़ कर लेंगे, फिर हम लोग इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। हम लोग ये कटे हुए बादाम पिस्ता डाल देंगे। अब शक्कर डाल देंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे। ज़रा शक्कर डालने पर से ज़रा अच्छे से इसको एक उबाल आया तो पका लेंगे ज़रा, क्योंकि शक्कर पूरी पिघल जाना। अच्छी पक गई हमारी, अभी हम कलर डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे कलर। इसमें कंडेंस मिल्क डाल देंगे। अच्छे से पका लेंगे जरा इसको। चलिए अब हम लोग इसको जो है ये सॉस पैन का जो भी दूध जो भी हम बनाए इसके ऊपर डाल देंगे। इसको हाई फ्लेम पे पका लेंगे अब हम लोग। ये देखिए हाई फ्लेम पे पका रही हूँ मैं, उससे इसमें 5 मिनट लगते, 5 मिनट में इंशाल्लाह मीठा रेडी हो जाता है। ये देखिए हमारा डबल का मीठा शाही टुकड़े रेडी है। जस्ट इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए थोड़े से बादाम और पिस्ता डाल देंगे। खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रेसिपी, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।